हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार और आपका अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है सीजीएल और शिपियो का, तो उसको नज़र में रखते हुए मेरे भाई, हम आपके लिए कुछ ऐसा कम समय में कुछ ऐसा करें जिससे आपका एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा हो। तो हम लोग एरर देख रहे हैं और एक एरर से बहुत सारे कंसेप्ट निकलते हैं, तो आपको कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चन नहीं देखना है। क्वेश्चन तो 2, 4, 10 जो भी होगा, लेकिन हम लोग कंसेप्ट जब एक बार समझ लेंगे तो उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में वो आपसे आराम से बनेगा, है ना। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है। अगर सेशन अच्छा आपको लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि ऐसे और आपको सेशन लाते रहना चाहिए। और अगर वैसा हुआ तो फिर हम टॉपिक वाइज, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस को, है ना, करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देकर आपको आंसर देना है, और क्या आंसर आपने सही दिया था या गलत दिया था, जब आपको, जब हम बताएंगे तो आप अपने खुद से ये पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज का आपका क्वेश्चन है मेरे भाई कि मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर दिस ब्रिज। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से आप लोग सभी अपने खुद को ये आंसर दीजिए कि ए आंसर होगा कि बी आंसर होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो चलिए आपने देख लिया होगा। चलो जी, तो थोड़ा सा अब बात को समझिए। यहाँ पे पहली बात तो ये समझना है कि लिखा हुआ है वाटर, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, वाटर। तो वाटर के पहले क्या लिखा, मच। तो याद रखना है कि मच एक ऐसा डिटरमिनर होता है, एक तरह के एडजेक्टिव होते हैं जिसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन एक और डिटरमिनर आपके साथ हमने लिख दिया मेनी, मेनी के बाद याद रखना है कि प्लुरल काउंटेबल नाउन लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर, वाटर क्या हुआ, तो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो मच वाटर कहना क्या हुआ, सही हुआ। मतलब ये सेंटेंस आपका क्या है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे पार्ट जो है वो सही है, मच वाटर होगा। मच शुगर होता है ना। आप मच मच ट्रैफिक बोलते हो, ट्रैफिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भैया। आगे देखिए तो बी पार्ट में कह रहा है कि हैज़ फ्लोन। पहली बात तो हमें एक कंसेप्ट ये समझना है कि हैज़ के बाद और हैव के बाद, किसके बाद, हैज़ के बाद और हैव के बाद और हैड के बाद, ठीक है, आने वाला जो वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म में होता है। हमने पहले ही कहा कि आपको सेंटेंस आपके साथ एरर तो एक दिखेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। हम कंसेप्ट को आपको बताएंगे, कंसेप्ट आपको समझना है, एग्जाम में कंसेप्ट काम आता है, क्वेश्चन यही तो नहीं ना आएगा, चीज़ समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हैज़ के बाद क्या कहा, भी थ्री। तो कहो सर, हैज़ के बाद तो भी थ्री लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ ही होगा। चलो भाई ये ठीक है, बात समझ में आ गया। लेकिन बात यहाँ ये है कि ये जो फ्लोन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फ्लोन एक किसका फॉर्म होता है, तो एक आपने वर्ड सुना होगा फ्लू का, किसका सुना, फ्लू। तो फ्लू का मतलब क्या होता है, उड़ना। तो इसका मतलब हो जाता है फ्लू, है ना, किसका, आप एक और बोल सकते हो फ्लाई, ये आपका सेकेंड फॉर्म होता है, और एक होता है आपका फ्लोन, ये होता है आपका थर्ड फॉर्म। अगर इसका हम बात करें फर्स्ट फॉर्म का, तो ये हो जाएगा आपका फ्लाई, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो मतलब फ्लाई का V2 क्या होता है, फ्लू, और V3 फ्लू, फ्लॉन, सॉरी फ्लॉन, ठीक है। तो ये फ्लॉन किसका है, फ्लाई का। तो हमें पानी है तो पानी उड़ेगा कहाँ, पानी तो बहने की बात हो रहा है, तो एक आपने नाम सुना होगा फ्लो, पानी का क्या होता है जी, फ्लो होता है। तो इसका जब V2 V3 की बात करेंगे, मतलब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करेंगे, है ना, तो ये हो जाता है आपका, ये हम लोग बोलते हैं फ्लोट, क्या बोलते हैं, फ्लोट, क्लियर है। तो फ्लो से क्या बनता है, फ्लोड, और इसका थर्ड फॉर्म भी आपका हो जाता है फ्लोट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है और ये मेरा थर्ड फॉर्म है, तो आपको यहाँ पे चाहिए थर्ड फॉर्म क्योंकि हैज आया है। तो ये आपका क्या है, गलत है, आपको इस जगह पे कहना होगा फ्लोट। क्लियर हो गया बात, समझ में आया। तो आंसर कौन सा हुआ, बी नंबर,
सबको कंसेप्ट समझ में आया जी? तो फ्लाई का फ्लोन होता है और हमें यहाँ पे पानी को बहने का सेंस देना है, तो पानी क्या होगा? फ्लो करेगा और फ्लो का थर्ड फॉर्म फ्लोड होता है। क्लियर कंसेप्ट? बहुत बढ़िया। आगे इसको थोड़ा देख लिया जाए, आप एकदम इंजॉय करो, इस चीज़ को समझो। कह रहा है कि द नील इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट देन ऑल अदर रिवर्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो पहली बात समझिएगा कि नील एक नदी का नाम है। नील क्या है? एक नदी का नाम है। तो नदी के नेम के पहले हम द लगाते हैं, ये सही है। द गंगा होता है, द यमुना होता है, द नील होता है, द सरस्वती होता है। बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज है ना। सेड टू मतलब इज के बाद जब भी थ्री दिखेगा ना, तो इसको पैसिव वॉइस में कहा जाता है, सेड टू बी द लॉन्गेस्ट। पहली बात समझिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो द लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है ना भैया, आगे लिखा हुआ है देन। क्या लिखा हुआ है? तो आपने एक चीज़ सीखा होगा कि सर कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करते हैं। देन का यूज किसके बाद साथ होता है? कौन? कॉम्परेटिव के साथ। और यहाँ पे आपका जो लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है वो आपका सुपरलेटिव है। जैसे जितने भी आपने एडजेक्टिव पढ़े होंगे, जैसे मैंने कहा टॉल, टॉल को कहा जाता है पीडी। क्या कहते हैं भाई? पीडी पॉजिटिव डिग्री है। इसी टॉल का अगर आप बात करो टॉलर का, तो ये हो जाता है आपका कॉम्परेटिव। और इसी टॉल का अगर बात करो टॉलेस्ट का, तो ये हो जाता है सुपरलेटिव। जब ईएसटी लगता है एडजेक्टिव में, तो ये सुपरलेटिव को शो करते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग का लॉन्गेस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये वाला बात क्या है? गलत है। तो आपको यहाँ से क्या करना है कि द लॉन्गेस्ट को हटाकर कॉम्परेटिव, क्योंकि आगे देन लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे कहना होगा लॉन्गर। क्या कहेंगे मेरे भाई? लॉन्गर देन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमको क्या बनाना है? इसको सीडी बनाना है, कॉम्परेटिव बनाना है। और लॉन्ग एक पॉजिटिव डिग्री होता है और इसका कॉम्परेटिव लॉन्गर होता है। तो इसके ये सही हो गया लॉन्गर। क्लियर है? क्योंकि अगर देन लगा हुआ है। और याद रखना कि ऑल अदर के बाद, ऑल अदर के बाद नाउन जो होगा ना, वो हमेशा प्लुरल होगा। लेकिन यहीं पे ऑल अदर की जगह पे अगर हम एनी अदर लिख देते, तो नाउन फिर सिंगुलर होता, रिवर होता। एनी अदर रिवर, लेकिन ऑल अदर रिवर्स। ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया? यहाँ पे भी एरर दिया जा सकता है। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? ए नंबर। क्लियर हो रहा है भाई? चलो बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो। कह रहा है कि यू मस्ट इधर पे द बिल है ना एट वंस, कराए इल्स रिटर्न द गुड्स इमिडिएटली। पहली बात तो ये समझना है कि आपको एक पेयर याद रखने हैं, कंजंक्शन का एक रूल है भाई मेरे, कि एक वर्ड होता है नॉट, ध्यान देना, नॉट ओनली, ये अपने साथ कंजंक्शन लेते हैं, जो पेयर बनाते हैं वो बनाते हैं बट अल्सो से। एक होता है आपका नीदर है ना, तो नीदर का पेयर बनता है नॉर से। एक होता है आपका इधर, इधर का पेयर आप बनाते हो और से। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब एक बात और यहाँ पे कंसेप्ट ये सीखना है कि जब नॉट ओनली है ना, इधर निधर जब कभी भी जुड़ा हुआ रहेगा, तो समान पार्ट्स ऑफ स्पीच से जुड़ा रहता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर भैया यहाँ सब्जेक्ट से जुड़े हो, तो इसके आगे भी आपको क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट लिखना होगा। अगर यहाँ पे आप वर्ब से जुड़े हो, तो आगे भी आपको क्या लिखना होगा? वर्ब लिखना होगा। अगर यहाँ आप पे आप प्रीपोजिशन से जुड़े हो, तो आगे भी आपको एक प्रीपोजिशन ही लिखना होगा। ये बात समझ में आया? तो इस बात को समझिए कि पे क्या है आपका? पे एक वर्ब होता है ना। तो रिटर्न क्या है आपका? ये भी एक वर्ब है। तो भाई मेरे इधर को हमने किससे जोड़ा? पे से। तो ए वाला तो बात सही है। तो आगे जो इधर के साथ पहली तो गलती हमें आ रहा है, ये दिख रहा है कि इधर के साथ ना सर क्या होता है? और होता है। तो भैया ये पहली बात को ना यहाँ से इल्स को यहाँ से हटा दो, और इल्स के जगह पे आपको लगा देना होगा और। क्या लगाएंगे? क्योंकि इधर और होता है। तो कह रहा है कि यू मस्ट इधर पे द बिल एट वंस है ना, और रिटर्न द गुड्स है ना। या तो आपको शीघ्र क्या करना होगा? इमिडिएटली। या तो पे करो, बिल पे करो तुरंत, नहीं तो आपको जो गुड्स है, जो गुड्स का मतलब सामान होता है, जो वस्तु आपने खरीदी है, उसको आप रिटर्न कर दो। तो भैया जब इधर जुड़ा है पे भाव से, तो और भी जुड़ेगा भाव से। तो देखो तो रिटर्न भी तो भाव है, मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया? अब करेक्ट हो गया।
तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। आया समझ में कि नहीं आया? थोड़ा सा लॉजिक को समझना है मेरे भाई, और इस तरह से अगर दिमाग में बात फिट होगा ना तो आगे आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्लियर है? तो आपको समान चीज के बीच में हमने देखो, एक चीज हमने एक आपको सिर्फ एरर दिया, लेकिन यहां से कंसेप्ट मेरा दो तीन निकला। क्लियर है ना? तो आपको इसी तरह से कंसेप्ट समझना है, हम क्वेश्चन नहीं देखते, ठीक है? चलो, तो यहां से आप कुछ भी जुड़ा रहेगा तो हमको वही चीज देखना है। तो आपका ये क्लियर हो गया है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो लेता है, इधर और लेता है, निधर नॉर लेता है। क्लियर है जी? चलो भैया पढ़िए आगे। कह रहा है कि आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज ऑफ इवेन सॉरी 11 स्किल्ड प्लेयर्स। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा और आंसर हम आपसे जानना चाहते हैं, जल्दी सब जवाब दो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है मेरे भाई। तो थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए, एक चीज़ आपको ये जानकारी हो जाना चाहिए कि आपने कभी एक वर्ब पढ़ा होगा और आपने एक और प्रीपोजिशन भी पढ़े होंगे, तो दोनों जगह हम लोग पढ़ा देते हैं। क्या होता है कि आपने एक पढ़ा होगा अवेट, क्या पढ़ा है कंसेप्ट को समझिएगा। हमने कहा अवेट, अवेट के साथ फोर लगाना ये गलत माना जाता है। अवेट के साथ फोर नहीं लगता है, अवेट इक्वल टू ही होता है वेट फोर। क्या होता है? वेट फोर। समझ में आया? ये सही है। इसी में एक और चीज आपको नजर आता है, आपने एक चीज पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया इन, हमने क्या कहा, इन्वेस्टिगेट, ठीक है जी? तो इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू लगाना गलत माना जाता है, आपको इन्वेस्टिगेट का ही मतलब हो जाता है इंक्वायर। क्या हो जाता है? इंक्वायर इनटू। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक और बहुत बढ़िया वर्ड है इन डिस्पाइट, पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाना गलत माना जाता है, आपको डिस्पाइट इक्वल टू ही लिख देना है इन स्पाइट ऑफ। बात आ रही है समझ में? तो इस तरह से कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, उसी में से एक आपका आता है कॉम्प्राइज। क्या आता है? कॉम्प्राइज। कॉम्प्राइज का मतलब होता है से मिलकर बना हुआ होना, तो कॉम्प्राइज के साथ कहा जाता है कि ऑफ नहीं लगाना है, कॉम्प्राइज इक्वल टू ही होता है कंजिस्ट ऑफ। क्या होता है भाई? कंजिस्ट ऑफ कहना सही है। अगर इसके साथ ऑफ नहीं लगाओगे तो गलत होगा, लेकिन कॉम्प्राइज के साथ ऑफ लगाओगे तो गलत होगा। तो क्लियर हो गया होगा रूल कि हाँ, ये तो समझ में आ गया बात कि यहाँ से इस ऑफ को क्या कर दो, हटा दो, तो आंसर हो गया बी नंबर। तो यहाँ पे कॉम्प्राइजेज कहेंगे या आप कंजिस्ट ऑफ कह सकते हो, तो हमें कंजिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्राइज हैं ही, तो आप सिंपल ऑफ को रिमूव कर दीजिए। बात आ गया समझ में? चलो बहुत अच्छा, अगला देखिएगा। कह रहा है कि द थीप ब्रोक इन द हाउस इन द डेड ऑफ द नाइट। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा देखिएगा, इसमें समझने वाला है कि द थीप ब्रोक इन द हाउस इन द डेड ऑफ द नाइट, है ना, अंधेरी रात में घुसा है। तो एक आपको फ्रेजल वर्ब नजर आया होगा, क्या नजर आया होगा आपको, एक फ्रेजल सॉरी आपको एक फ्रेजल वर्ब नजर आया होगा इसमें कि सर एक ना ब्रेक इन नहीं ब्रेक इनटू होता है। क्या होता है मेरे भाई? ब्रेक इनटू, जिसका मतलब होता है जबरदस्ती कहीं चले जाना, घुस जाना। तो यहाँ पे ब्रेक का ही ना ब्रोक लिखा हुआ है, तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती, है ना, घुसना। बात समझ में आ रहा है जी? तो यहाँ पे जब थीप है तो कोई प्यार से तो बुलाएंगे नहीं, तो यहाँ पे ब्रोक इन के जगह पे आपको प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत है इनटू, तो ब्रेक इनटू, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोक इनटू द हाउस, ठीक है? तो यहाँ पे आपका सही कौन सा आंसर हो गया? ए नंबर। समझ में आ रहा है? तो हमने अभी पांच, है ना, एरर्स देखे, और हमको लगता है कि हमने पांचों के बारे में अच्छे से समझा होगा, है ना। इससे अगर रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो आई होप कि आप अच्छे से बना लोगे। बात समझ में आ रहा है?
तो ये पांच था, फिर हम आगे लेकर आएंगे, है ना। अभी इसलिए वीडियो को बड़ा नहीं कर रहे हैं, है ना, धीरे धीरे अभी हम सिंपल छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। आप लोग का क्या कमेंट आता है वो ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि हाँ और बड़ा बनाना चाहिए या ऐसे ही ठीक है ना। बस ऐसा होना चाहिए कि आप उसको अच्छे से देख पाओ, फुल वाच कर पाओ, है ना, जिससे आपको फ़ायदा हो। बहुत सारा बड़ा वीडियो होने से होता क्या है कि लड़का उसको देखता ही नहीं है। जब आप देखोगे ही नहीं मेरे भाई, तो फिर मेरा बनाना कुछ उसका, है ना, बात तो बनेगा नहीं, है ना। तो आपको ही देखने के लिए है, तो आप आराम से छोटे छोटे ही हम वीडियो बनाकर आपको बताएंगे, ठीक है। बस हम एक मेहनत करें, बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।